ये मुंह किस सजा हुआ है क्या? मम्मी को लाइव सूट है, बर्थडे पे जा रहे हैं और गिफ्ट भूल गए। हम उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं। गलत तो नहीं आ गई? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। यूजिंग फ्री का वाईफाई। मैं बहुत मारती हूँ। अरे दिख रहा है मेरे, तुम काले काले दिखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा घर का सारा काम हो गया है और मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं और अभी मैं इनको ड्राई करके नीचे आईब्रो अपनी थ्रेडिंग करवाने जाऊंगी और शाम को हमें फिर बर्थडे पार्टी में जाना है। और पार्थ उठ गया है, पार्थ ना भी लिया है, मैं ही सबसे लेट उठाऊँ। तेरी मम्मी भी जल्दी ना ली भाई आज तो। मैं ही लेट उठा बेटा, रात को नींद ही नहीं आई, फिर मैं लेट तो सो रहा, अब उठाऊँ मैं। तो गाइज हमने ये चाय वगैरह पी ली है और ये दोनों नहा भी लिए हैं और अब मैं जाऊँगा गाड़ी धोने के लिए। गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है, आज हमें कहीं बाहर जाना है। पार्थ कहाँ जाएंगे बेटा हम? मेरे फ्रेंड का बर्थडे के बाद। आज आपकी फ्रेंड का बर्थडे है? हाँ। क्या नाम है उसका? खुशी। मम्मी क्या कर रही है भाई? तेरी मम्मी पिन को लेके बैठी हुई है। तो आपके बाल सूख गए? ड्रायर कर लिए अपने बालों में? अच्छा, ये मुंह किस सूजा हुआ है क्या? किस लिए सूजन आई हुई इतने मुंह पे? सूजा हुआ ही है क्या? हाँ। लगता मम्मी को सुबह चाय नहीं मिली है ना? अब बनाने वाली है ना, तो बनाने वाले को ही नहीं मिली, हमने पी ली होगी तो ही रह गई, इसलिए इसका सूजा हुआ थोड़ा मुंह लग रहा है। ओ पापा, तो आप गिफ्ट लेके ही नहीं आए। ओए गिफ्ट तो भूल ही गए लाना यार। नहीं भगाएंगे बेटा, हम जाएंगे गिफ्ट लेके जाएंगे मेरे बेटे के साथ। ठीक है, तू रेडी हो गया ना? नहा धो के कपड़े अपने सब रेडी कर ली ना तूने? तो अभी कहाँ पे बेटे? शाम को जाएंगे, अभी तो 10 बजे हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, संदीप को भी गाड़ी धो रहा है अपनी जाने के लिए। बहुत गंदी हो रही थी गाड़ी। मम्मी तो बिल्कुल चमक गई। चमक गई ना? हाँ, बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो। बेटा इतनी गंदी हो जाती है, ये पानी से ही धुलती है, कपड़े से साफ ही नहीं होती। और ये डिम्पी मैडम भी टॉफी खा रही हैं, बच्चे के साथ बच्ची हो रखी हैं, दोनों बच्चे टॉफी खा रहे हैं। और बच्ची की गाड़ी ले रही थी अभी। ती गाड़ी भी ले रही थी? अच्छा। और ये लगा ली है चश्मे, चश्मे लगा के बन गई है मैडम। मैडम बन के भी उठा लिया फोन और फोन उठा के चलाएंगी ब्लॉग, ब्लॉग चलेगा अरमान मलिक का। पूरी शादी देखी इन्होंने अरमान मलिक की, एक हफ्ते तक पूरा आधा आधा घंटे के ब्लॉग देखे मैडम ने। और ये देखिए अरमान मलिक का ब्लॉग देखा जा रहा है, ये जिमी बैठा हुआ है, मेरे को भी नाम याद हो गए इनके। पूरा एक हफ्ता इसने इतना देखा ब्लॉग इनके शादी का, दिन रात बस ब्लॉग में लगी रहती है। मैं इसको बोलता ही रहता हूँ यार अपना ब्लॉग बना ले, हमारी भी वीडियो है, इन्हीं में लगी रहेगी तो हमारी वीडियो कैसे बनेगी? पर ये कहती है क्यों, मेरा मन नहीं क्या, मैं तो ब्लॉग देखूंगी। इस बात पर हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आधा आधा घंटे तक ब्लॉग में लगी रहती है। मैं कहता हूँ यार टाइम नहीं है बिल्कुल भी, अब तू काम करके आई, या तो थोड़ा रेस्ट कर ले या फिर मेरे साथ वीडियो बना ले। पर ये एक भी बात नहीं सुनती मेरी, और इसी कारण हमारी लड़ाई होती रहती है। तो मम्मी को लाइव सूट है, मम्मी अभी कपड़े चेंज कर रही है थी तो भागी, तो देखो मम्मी के सूट निकाल रही। अब कौन से पहनूं है? कौन सा पहनूं? वो कलरफुल वाला। ये वाला? हाँ कलरफुल। ये पहनूं या फिर जो भी पहन रखा है ये वाला पहन? ये वाली पहन ले। कोई वाला तो ठीक है, या फिर वो वाला पहन लो कलरफुल वाला, वो ठीक है। हाँ ये इसके नीचे की मेरे पास अभी तो पंजाबी पहन लेना। और ये हमारा आ गया है ठंडा ठंडा दूध, और इसमें मिलाया जाएगा रूह अफजा। मैं और पार्थ पियेंगे रूह अफजा वाला दूध, और ये डिम्पी मैडम खाएंगी घोड़े वाले चने। ये आजकल मैडम डाइटिंग कर रही हैं, ये पतले होने की पूरी कोशिश करती है, पर ये इतना खा लेती है, कभी मोमोज कभी बर्गर, इसका खाने पे कोई नियंत्रण नहीं है। और ये कह रही है पतली होंगी, पतली होके मानूंगी, एक्सरसाइज भी करती है। और इसने अब 2 दिन से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, और ये बताएं कितने दिन चलेगी? ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ते तक चलेगी, उसके बाद ये फिर ब्रेक दे देगी। कुछ ब्रेक नहीं
हर बार ही ऐसे ही बोलती है, 4 दिन एक्सरसाइज करेगी और फिर 2 महीने तक नहीं करेगी, फिर इसमें दोबारा कीड़ा जागेगा पतली होने का, फिर ही दोबारा एक्सरसाइज करेगी। आपकी बार कंटिन्यू, देखते हैं कंटिन्यू करती है और तो कितनी इसमें कहीं आना जाना पड़ जाता है इस वजह से। पापा, और जाओ, आप ही रुक रुक के करते थे। मैं तो करता ही नहीं बेटा, टाइम ही नहीं मिलता। और ये हमारा रू अब्जा रेडी हो गया है यार, बहुत कम गेर रखा है इसके अंदर तुमने। रू अब्जा दे कितना कम गेर रखा है। सही है, फ्लेवर आना चाहिए बस। मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा भाई इसमें, मजा ना। कैसा लगा भाई, टेस्टी है? अरे भाई मैं पीऊंगा तो आऊं मैं भी। और ये आ गया मेरा, और ये संदीप ले आया है खुशी का गिफ्ट। और पार्थ सुबह से बोल रहा था अगर गिफ्ट नहीं लाओगे तो नहीं जाऊंगा, और ये अब 5:30 बजे उसका गिफ्ट लेके आया है बिल्कुल जाने के टाइम पे। ठीक है, चलेगा ना? चलेगा ना अब तो। ठीक है, अगर नहीं लाते तो पार्थ तो सच में नहीं जाता क्या है? नहीं जाता। अच्छा, नाम लिख लियो खुशी का, मम्मी से लिखवा लियो। क्यों बताया, वहीं जाके देखियो। और ये भाई देखिए, ये डीपी रेडी हो रही है, हो गई सारा, हो गया इसका मेकअप वगैरह, सैंडल भी पहन लिए हैं। पूरी रेडी हो गई मैं, ठीक लग रही हूं। हां ठीक लग रही है। और ये इसके बालों की चिमटी दिखाता हूं, आज मैंने नया हेयर स्टाइल बनाया। दो पीछे चिमटी लगाई है, 4 आगे तितली लगाई है। सही लग रहा है। हां ठीक है पार्थ, आज तो फर्स्ट टाइम। और पार्थ भी रेडी हो चुका है। ये क्या खोल रहा तू, इसने क्या ढूंढ रहा तू इसमें? कुछ नहीं। फिर क्या कर रहा है मैं? ठीक इधर हो ले, इधर चलो भाई, रेडी हो गया मैं तो, रेडी हूँ देर से। अरे परफ्यूम लगा रही बेटा, फिर क्या हो गया? तू तो ऐसे डर रहा, क्या कर रही तेरे को? चलो भाई चलो। और ये देखिए, ये दो लड़कियां, इतना टाइम लगा दिए इन्होंने, दोनों ने 6 बजे का टाइम दिया था इनको, 6:30 कर दिए। ये सेल्फी लेने लगी होंगी, ये रिंग लाइट में बना लगी होंगी अपने स्टोरी। क्या छोटी वाली क्या बढ़ रही है, ये इसमें बड़ी रहोगी? क्या नहीं मिल रहे? और ये दोनों बहनें रेडी हो गई हैं। एक घड़ी बांध रही है, एक जूते ढूंढ रही है। और ये डिम्पी मैडम तो पहले रेडी होके आ गई थी ऊपर से नीचे। और ये आधा घंटा हो गया इनको बोल के आया था मैं भी, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। और ये अभी एक बार आई थी, वापस चली गई, और वो वहाँ से उतर रही है। इतनी आराम आराम से उतरेंगे, इतनी स्लो है ये तीनों, ये देखो कितने आराम आराम से। ये पार्थ और पार्थ की मम्मी आ गई फर्स्ट नंबर पर आगे, और ये पुष्पा और जस्सू मैम और भव्य बत्रा, ये शर्माते हुए चल रही हैं, और ये आ गई हैं गाड़ी के अंदर। बैठो भाई जल्दी बैठो, ये जस्सू मैम तो इतनी शर्मा रही है कैमरे में नहीं आ रही, पीछे पीछे चल रही थी पुष्पा की साइड में, जितनी छुपा गई उतनी कैमरे में आ लूंगा। और ये गिफ्ट भूल गए हैं, मैंने इनको याद दिलाया, और ये भाग के जाएंगे दोबारा से, बर्थडे पे जा रहे हैं और गिफ्ट भूल गए। ऐसा होता है, मेरे ना बहुत टेंशन थी, हमारा भी गिफ्ट की मगा कहते भूल ना जा, तो ये गिफ्ट भूल गई थी, अब लेके आई है, लॉक लगा के आ रही थी, अब दोबारा आई है, बर्थडे पे जा रहे हैं और गिफ्ट भूल गए। इस बहाने से दोबारा वीडियो में आ गई होगी ता। नहीं मैं बोल दूंगा ऐसा पहले ही, उस पर चाय पिला नहीं, ऐसे नहीं कहती है, ऐसे देखेगी पता है, कह दूंगा ना तो भी वो उसको उसको कर देगी मजाक में। अब तो बिल्कुल नहीं लाऊंगी, ऐसे कहेगी मुंह देख के क्या देगी, मैं नहीं पिलाऊंगी, तू चाय पिलाई है। अब ये देखो जिनके घर जा रहे हैं उनकी बुराई हो रही है रस्ते में। चाय पानी मिले नहीं हो रही है, हम उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बड़ी स्पेशलिटी है उनकी, बड़ी प्यारी बच्ची है। अबे वो मेहमान जैसा ट्रीट नहीं करती, मुंह पे बेइज्जती करा रहे, वो मेहमान जैसा ट्रीट ही नहीं करेगी, वो बोली चाय पीनी है बना जाओ बना लो, और लेट आओगा जबरदस्ती बैठेगा उनके, तुम अपने आप मना बोले कि चल चले
अच्छा बोला जाओ धक्के मारे जब जाओ जाओ जब आए मुझे लेट आओ लेट चल लेंगे उड़े से फाइनली ये प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ से लेट निकलने की है मतलब हाँ। ये वो वाले मेहमान है वो जाके जम जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जाम दोबारा बुलावे नहीं का कोई जाम बहुत लगता है ना यहाँ पे लेकिन बुरा हाल हो रहा है रोड टूटा फूटा है सारा ये हम पहुँच गए हैं और संदीप अपने आप दरवाजा नहीं खोल रहा है और ये हम पहुँच गए हैं खुशी के घर और ये रहा खुशी का घर खुशी रहती है ऊपर तीसरे फ्लोर पे और ये आ गई है इनकी लिफ्ट रे जिन्हें जाओगे लिफ्ट सुन लो अरे आपका पतली हो जाओगे आ जाओ बुला ली लिफ्ट हम नहीं बताएंगे नहीं बताएं किसी और के जाके घुस जाओ वो आगे देखो आगे पीछे आज तो गए थे सारे ये मैं जिन्ने से गया था ऊपर ऊपर करके क्लिक करो ये सही फोटो आएगी ऊपर करके क्लिक करो ये है ना ऊपर करके क्लिक करो बहुत सही फोटो आएगी और ये हम गलत उतर गए एक फ्लोर नीचे एक फ्लोर ऊपर उतर गए ये जाना यहाँ पे था और हम ऊपर चले गए चलो चलो अब हम दोबारा लिफ्ट में घुसेंगे एक फ्लोर ऊपर चले गए थे गलती से ठीक है चलो भाई फिर से लिफ्ट के अंदर घुसो हाँ एक फ्लोर था ना गलत तो नहीं आ गई चुप रहे अरे कौन मैं सोचा गलत आ गए मैं दोबारा चढ़ने वाला था लिफ्ट के अंदर और ये है खुशी की मम्मी खुशी कहाँ गई खुशी हैप्पी बर्थडे और ये खुशी हो गई है 6 साल की ये लड़की जब से यहाँ आई है तब से इस फोन में ऐसे घुसी हुई है जैसे पता नहीं इसने फोन कभी यूज ही ना किया हो या देखा ही ना हो सब कुछ इसका काम इस फोन में यहीं पे आके ही होगा सब लोग वहाँ बैठे हुए पर यहाँ पे खड़ी हुई है एक घंटा हो गया इधर मुंह करके बोल मैं बहुत मारती हूँ बैड मैनर्स हैं ऐसे नहीं करते बेटा किसी के घर जाने के बाद थोड़ी करते फिर आपको अपने बर्थडे भुलाएगा ही नहीं आप ऐसे करोगे तो बस 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 रुलाएगी क्या ये है यूनिकॉर्न वाला केक है ना और ये आ गया खुशी का केक हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे पहले ही
कोई फेस पे नहीं लगाएगा। ओके मामू। डीजे तुषार 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 बेचारे पोज बना के बैठे हुए हैं। किक तो खिला दिया खुशी को तूने पार? खुशी को क्या खिलाया पार तूने? वो खिलाएगी तो भाई हमने खाना खा लिया है और अब हम घर जा रहे हैं। चले आ जाओ आप भी आ जाओ। अरे आ जाओ यार, रैन तो थक रही होंगे, खाना भी ना खा रहा। अरे आ जा। तो अब ये हम यहाँ से निकल चुके हैं, सब आ गए हैं। चलो भैया आ जाओ। अरे गाड़ी स्टार्ट। और ये लग गया फाटक, एक तो पहले से ही लेट हो रहे थे ऊपर से, वो ये फाटक और लग गया। कोई बात ना, हमारी सवारी बैठी हुई करे दिख ना रहे तो काले काले दिखो। तो जैसे ये फाटक खुलेगा तब हम निकलेंगे यहाँ से। ये हम पहुँच गए हैं घर, सब नंबर वाइज उतर रहे हैं। सबसे पहले पुष्पा उतरी है और योगिता तो पता ही गाड़ी के अंदर रहेगी, क्या चक्कर है इसका, मन ना करता गाड़ी में उतरने का। और ये डिम्पी मैडम आई है लास्ट में पार्थ को लेके, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा भाई। तो गाइज हम लोग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।